नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। वार्तालाप टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतम झा एक बार फिर आज की मुख्य खबरों को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए कहा कि रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर भारत की पहल को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। मंत्रालय ने 101 रक्षा उपकरणों की सूची तैयार की है जिनके आयात पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। कोरोना काल में देश के किसानों को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात भेंट की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि फंड के तहत 1,00,000 करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए 20,00,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है। अयोध्या के मस्जिद इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ट्रस्ट के प्रवक्ता ने बताया कि मस्जिद निर्माण में शिलान्यास के कार्यक्रम की इस्लाम में इजाजत नहीं है। सिर्फ नींव खोदकर मस्जिद की शुरुआत होती है, लेकिन इस जमीन पर जब अस्पताल या फिर ट्रस्ट के भवन की नींव रखी जाएगी तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया जाएगा। एहतर हुसैन ने बताया, अयोध्या के जिलाधिकारियों ने मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन हमें सौंप दी है, इसके कागजात भी हमें मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को नई स्टार्टअप नीति और उसके विकसित करने को लेकर उद्योगपति और उद्यमी के साथ बैठक कर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही स्टार्टअप नीति का एक मसौदा जारी करेगी। राजस्थान के जोधपुर में 11 पाकिस्तानी शरणार्थियों की मौत हुई है। फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया। प्रथम दृष्टि से देखा जाए तो जहरीली गैस या जहर खुरानी से हुई मौत बताई जा रही है। वहीं पुलिस मामले की जांच करने में जुटी हुई है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रविवार को एक होटल में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई है। होटल को कोविड-19 फैसिलिटी सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। घटना के वक्त यहां 40 मरीज थे, मेडिकल स्टाफ के भी 10 लोग थे। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने रविवार को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। श्रीलंका के ऐतिहासिक बुद्ध मंदिर में महिंद्रा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। श्रीलंका में इस साल आम चुनाव में महिंद्रा की पार्टी ने शानदार जीत भी हासिल की है। मॉरिशियस ने हिंद महासागर में देश के दक्षिण पूर्वी तट पर फंसे जापान के एक जहाज से तेल का रिसाव शुरू होने के बाद पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। एमवी वाकुसिवो नामक यह तेल टैंकर 25 जुलाई से फंसा हुआ है। के लिए बस इतना ही। फिलहाल हमें इजाजत दे। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूले। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। स्टे होम, स्टे हेल्थी। नमस्कार। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज़।